सर वर्कर्स बहुत खुश हैं, काम भी बहुत जोरों से चल रहा है, लगता है मजंता गारमेंट्स का ऑर्डर वक्त से पहले। नमस्कार कुमार साहब, केम छो? नमस्ते, कैसे हो धनराज? मैं तो अच्छा हूँ कुमार साहब, लेकिन आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उड़ते उड़ते मेरे कान में खबर पहुंची है कि आप मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था धनराज जी, कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसा आदमी ऐसी बेईमानी का काम करेगा। सो बात करो जो बेईमानी और मैं, ये तो दो बातें कुमार साहब। जी नहीं, दोनों बातों का एक ही नाम है, सेठ धनराज। बड़ी सीधी सी बात है, आपने मिल ओनर्स के फंड में लाखों रुपए की हेरा फेरी की, आपने प्रेसिडेंट की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है। कुर्सी का फायदा कौन नहीं उठाता कुमार साहब, बेईमानी से तो सारी दुनिया चलती है। अब ऐसा करके जिए ना कि ऐसा कोई रास्ता निकाले ना कि मैं भी मगनमारी से बच जाऊं और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी सीधी सी बात है कुमार साहब, हमारे गुजराती में कहावत है कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। मैंने सुना है कि आपको अजंता गारमेंट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसको पूरा करने के लिए आप सब कुछ गिरवी रखने को तैयार है। मेरे होते हुए सब कुछ आपको करने की क्या जरूरत है? आप बोलिए, आपको कितना पैसा चाहिए आप बोलिए, मैं जितना बोलो आप भरने को तैयार हूं, बोलिए। मैंने तुम्हारा भाई है समझो। देखो, उसके लिए आपको मेरे पर कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, हाँ, और जिंदगी में आपको कभी भी ये पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। आपने मुझे चाटा मारा? तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने, और इससे अच्छा जवाब था भी नहीं मेरे पास। हमारे गुजराती में कहावत है कि खाना है तो चाटा भी खा लो, मगर प्याज के साथ वापस करो। प्याज के साथ लौटाऊंगा कुमार, प्याज के साथ।